अरे सारे पहलवान जो बनते हैं ना वो गवर्नमेंट की मदद से बनते हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च होता है, एक्सपोर्ट करती है, बता रहे ना हम जिंदाबाद करते हैं तो बता रहे, अरे बता रहे ना, बता रहे ना, बता रहे ना, सुनो ना, सुनना, तो एक मिनट गवर्नमेंट मुद्दे पे कोई नहीं ना, ए भैया गलत नहीं, पहलवान हमेशा अपने बलबूते बनता है, अखाड़े में लड़ता है तब जाके, मैं तुमको 10 लाख रुपए स्पॉन्सर करता हूँ, बन जाओगे पहलवान भाई साहब, नेशनल इंटरनेशनल गवर्नमेंट क्या करते, सुनो ऐसा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, तो एक मिनट गवर्नमेंट मेडल लेके आए हैं, किसके लिए लेके, भारत के लिए लेके, इंडिया के लिए लेके, अपना घर के लिए नहीं लेके, नरेंद्र मोदी का नाम ऊंचा हुआ, हमारे भारत का नाम ऊंचा हुआ, ये अपने घर के लिए मेडल नहीं लेके, शर्म आती है हम लोगों को कि हमारी बच्चियां ऐसे रोड पे बैठी हैं, लाना था हमारे को, क्या नाम है, शर्म आती है, दो इशू भूल गए, एक तो ये कि भाई गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करती है हर पहले, चाहे वो गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती, हमारे टैक्स का पैसा, सुनिए ना, बाप का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट को हम लेके आते हैं, गवर्नमेंट हमें नहीं लेके आती है, ये हमारा टैक्स का पैसा है, जॉइंट पहलवानों का खर्च होता है, सच्चाई की आवाज उठाओ, पैसा हमारा हम लोगों को रोका जा रहा है, और दूसरी बात कौन बैरिकेड लगा दिया गया है, सुनो ना, हमें मिलना नहीं दिया जा रहा, भाई साहब बड़ी मुश्किल से आया था परसों, इनका समर्थन को देख ले कि हमारी बच्चियां रो रही है, रिपोर्ट है ना, वो तो आम पब्लिक जो है, आम पब्लिक के घरों में भी माँ बाप की घटना घटती है ना, तो दूसरे दिन परिवार जो है ना चल जाता है, और रेप की घटना, सुनो ना भाई साहब, कई ऐसा मुद्दा होते हैं अपनी इज्जत के लिए, इज्जत के लिए रिपोर्ट नहीं करी जाती है, ये लड़की है अपनी इज्जत को तारतार नहीं करना चाहती है, अरे सुनो ना, अरे सुनो ना भाई, तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये कई ऐसे मुद्दे होते जो उजागर तब करे, और सतपाल मलिक ने क्यों ऑब्जेक्शन करा, उसको डर था, आज वो ओपन है, किसी कुर्सी पे किसी पद पे नहीं है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, इस बात का उन्होंने बोला ना कि 10 साल बाद कैसे, तो सुनो 10 साल में उन्होंने जितनी छिड़खानियां होंगी पानी सर के ऊपर नहीं गया होगा, और दूसरी बात सुन लो, एक बात क्या कह रहा हूँ, जब वो उनका करियर बनाने टाइम था, कहीं ना कहीं सुनो, एक मिनट एक मिनट, तो नहीं एक मिनट, अरे तो एक व्यक्ति सुनो ना, सुनो ना, आप एक व्यक्ति, आप अपने हिसाब से सोचो कि जब एक व्यक्ति, अरे सुनो ना, सुनो ना, जब आप अपने हिसाब सोचो कि जब इंडिया में से ये लड़कियों ने बाहर जाके गोल्ड मेडल आई है, क्या इन्हें शौक है अपनी जगह उछालने का, दूसरी बात ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर कोई पहला मुकदमा नहीं है, इससे पहले 38 मुकाबले लग चुका है ना, इससे पहले एक मिनट देख लीजिए, जाँच कर लीजिए, एक बार जाके बैनर लगाया वहाँ पे, नहीं नहीं अलग नहीं, सुनो तो एक बार, तो एक बार जाके देखिए ना, और दूसरी बार नहीं, एक बार फिर जाके देख के है वहाँ पे, और दूसरी बात जो यहाँ पे हमारी बहनों ने इंजाम लगाया है ना, ये झूठा नहीं है, क्यों, क्योंकि आज जो तुम हम लोगों की आओगे, सुनो ना, सुनो ना, वोट क्यों देते हैं, रेप रेप जो है सर, क्या 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 क्या, चलो 700 से 7 पर 7 से 3 पर इतना कैसे दस साल इसलिए लगाए गए, कई बच्चों को अपनी इज्जत से प्यार होता है, कई बच्चों अब आपकी बहन बेटी के साथ रेप हो जाएगा, वो तमाशा नहीं बनाएंगे, 10 साल सहेंगे भी तो नहीं, ये भी तो बात है, आज नहीं सहेंगे, इनकी सहने की शक्ति अब खत्म हो चुकी थी, इन्होंने अपना देखा कि कोई गवर्नमेंट, इनको पहले भी इन्होंने ऑब्जेक्शन करा, जब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सुना, मैं आपसे सवाल पता करता हूँ, एफ आई दर्ज किसका हक है करने का, दिल्ली पुलिस का, सुप्रीम कोर्ट एफ आई दर्ज कर रहा है, यार यहाँ से आप इस चीज को क्यों नहीं दिखा रहे, आप इस चीज को देखो, सुप्रीम कोर्ट को हर चीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो इस चीज का आप दिखाइए, सच्चाई दिखाइए, आप क्यों नहीं दिखाते, अब इनका बीजेपी का सांसद है, बहुबली है, तो इनको गिरबान पे हाथ डालने के लिए भी डर लग, यहाँ तक के हरियाणा का ब्रिज में जो मंत्री है वो भी इनके समर्थन में आ गए, अब किसान नहीं बीजेपी के पार्टी के लोग भी समर्थन में आ गए कि ब्रिज मोशन ने
गलत काम करा है, तो अभी तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करा जा रहा? हम यह पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट, आप वहाँ पे मद्रास के अंदर रैलियाँ कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हमारी बेटियाँ रोड पे बैठी हैं, इतने दिनों से बैठी है, एक सिर्फ होल्डिंग के ऊपर बिछाने के ऊपर उनके साथ ऐसा अत्याचार करा गया। सवाल उठती है तो दोनों तरफ की ओर उठती है, दोनों ही तरफ की ओर सवाल उठती है। सवाल अभी यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि बेटियों ने इतने लंबे समय तक पहलवानों ने क्यों अत्याचार सहा, उनको तो शुरुआत में ही कर देना चाहिए था, वो अपनी इज्जत के साथ सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज करके समझौता करके तो नेशनल या इंटरनेशनल नहीं खेलता है ना। ये तो गलत हुई अपने आप में कि अपने आप अगर अपने अगर किसी के ऊपर यौन शोषण होता है तो उसको पहली ही बार में आवाज उठाना चाहिए कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ। ये सबसे बड़ी बात है कि बेटियों ने सहा, बेटियों ने, आप ही लोग कह रहे हैं, खुद कह रही हैं कि 10 सालों से लोगों के साथ होता चला है। अगर पहली ही बार में आवाज उठाया जाता तो आज ब्रजभूषण जैसे लोगों की हिम्मत ही ना होती। ये तो बेटा एक लड़कियां हैं, इज्जत है, ये आवाज उठाने में 10 साल, मैं कल तक कर्जदार था, आज भी कर्जदार हूँ। मुझे आवाज उठाने में, मैंने सोचा मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, मैं मर जाता हूँ, मैं किससे लड़ूंगा, मगर मेरी आत्मा ने कहा आप जाकर देर से आ गए, कोई बात नहीं, आप जाकर तो सही इस गवर्नमेंट से लड़ो। आपके ऊपर कर्जा किसकी सरकार में हुआ? बीजेपी की सरकार में हुआ। नोटबंदी किसने करी? नरेंद्र मोदी ने करी। लॉकडाउन कब लगा? नरेंद्र मोदी से। आज 1 करोड़ रुपए का कर्जदार हूँ भाई साहब, मुंह छुपा रहा हूँ लोगों से, मैं सरकार से पूछता हूँ। मोदी जी तो कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पहलवान बताओ, और वो तो इन्हों भी कह रहा था बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। जवान माफी मांगी थी बेटियों से, जाओ पूछ के आओ, बेटियों से माफी मांगी हो तो क्या होगा? ब्रजभूषण तो देखे झुक नहीं रहे, हमें क्या झुकाना उसे, हमें तो उसे तिहाड़ भेजना। हम तो मोदी और अमित शाह से बात कर रहे हैं, अगर उन्हें शर्म आ रही हो तो जल्दी से भेज दे जेल, ना भेजेगा, नाक रगड़ के भेजेगा किसान आंदोलन की तरह, जेल भेज के ही कोई फैसला होगा। तो ताऊ जी क्या मोदी अमित शाह को लेना देना है किस मामले? क्या अपराधियों के साथ खड़ा उसका सांसद है, बीजेपी का सांसद है, बचा रहा है अपराधी का बयान तो आया नहीं किसका? अमित शाह, देखिए उसने खुद कही है ब्रजभूषण शरण सिंह ने कि मोदी और अमित शाह कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसने साफ धमकी दे दी है अमित शाह और मोदी को कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मेरे से इस्तीफा मांग सको, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। पैसा मेरे अकाउंट है, स्विस बैंक में मेरा अकाउंट है, उससे फंडिंग ला रहा हूँ, कराओ मोदी से जांच। हाँ तो मैं उन्हीं को बता रहा हूँ, मोदी से कहो जांच करा लो। वो कह रहे बिरयानी भी चल रहा है खूब शाहीन बाग की तरह, बिरयानी भी खूब खा रहे हैं आप लोग, तू भी खा ले। देखा आपने? और सुनो, कहने वाले के मुंह में पानी आ रहा हो वो भी आ जाओ, वो भी खा ले, बुला लो उन्हें। 50-50 लाख का कह रहे हैं, वकील कर रहे हैं, वो अभी आरोप लगाया उन्होंने। कौन कहाँ से आ रहा है? ब्रजभूषण शरण सिंह। तो ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछ कि इसके पास आकूत संपत्ति कहाँ से आई? बिजनेसमैन है वो तो। कहाँ से? माँ के पेट से बिजनेसमैन आया था। ज्यादा कॉलेज है उसके। हैं? कपिल सिब्बल। ये कहाँ से बने? और कपिल सिब्बल भारत का सांसद राज्यसभा का, और हमारा केस फ्री में लड़ रहा है। लड़ रहे हैं वो। ये कपिल सिब्बल जी से जाके पूछो कि भाई वो हमारा केस फ्री में क्यों लड़ रहा। उसे कहते हैं देशभक्त, जो देश की बेटियों के लिए लड़ रहा, उसे बेटी का दर्द है।